नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक ETUTOR यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक न्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आए हैं और ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड। और जिसके अंदर हमने कलेक्शन किया वो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और आपके इलेक्ट्रिकल मशीन के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने इसमें कलेक्ट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन से ये 25 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स, जो कि सभी रहेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड। देखते हैं पहला क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा इस अशोक ETUTOR यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबाते हैं बेल आइकन, इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा जब भी हम इस चैनल पर नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, स्टेपर मोटर इज वाइडली यूज बिकॉज ऑफ, स्टेपर मोटर जनरली हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ वाइड स्पीड रेंज, लार्ज रेटिंग, नो लोड फॉर फील्ड करेंट या कंपेटेबिलिटी विथ डिजिटल सिस्टम। तो इसके चार ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब होता है उसमें आपको राइट आंसर इसमें चॉइस करके आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे जो स्टेपर मोटर का वाइडली यूज करते हैं बिकॉज ऑफ, इसका ऑप्शन रहेगा डी, कंपेटेबिलिटी विथ डिजिटल सिस्टम। ठीक है, इस ये सिस्टम के अंदर ये डिजिटल सिस्टम रहता है उसके लिए कंपेटेबल रहती है, इस कारण से इसको हम स्टेपर मोटर का यूज करते हैं डिजिटल सिस्टम के अंदर। तो ऑप्शन इसका रहेगा राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं, ए टू फेस सर्वो मोटर इज इन कंट्रोल सिस्टम यूजेस, जो टू फेस सर्वो मोटर रहती है इस कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं क्योंकि इसमें चार ऑप्शन है, ड्रैग कप टाइप इसका रोटर होता है, सॉलिड सिलेंड्रिकल रोटर विदाउट स्लॉट ऑफ वाइंडिंग्स, ऑर्डनरी स्क्वायर केज रोटर या फिर स्लिप रिंग रोटर विद इनहेरेंट लो रेजिस्टेंस। यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन से, ड्रैग कफ टाइप इसका रोटर होता है, इस कारण हम इसको टू फेस सर्वो मोटर का कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं थ्री, कैपेसिटर इन ए सिंगल फेस मोटर इज यूज फॉर, जो सिंगल फेस मोटर रहती है इंडक्शन मोटर उसमें हम कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर, इम्प्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क या स्टार्टिंग द मोटर या फिर रिड्यूसिंग द हार्मोनिक्स जो होते हैं वो। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा, वो रहेगा स्टार्टिंग द मोटर, जो सिंगल फेज मोटर रहती है उसमें मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, वहाँ से फेज डिफरेंस 90 डिग्री प्रोड्यूस होता है और 90 डिग्री फेज कारण परपेंडिकुलर आपका जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा मोटर मूव करने लगती है, रोटेट करने की, इस कारण यूज करते हैं कैपेसिटर का सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, स्टेपर मोटर आर मोस्टली यूज फॉर हाई पावर रिक्वायरमेंट, कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशंस, वेरी हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, वेरी लो स्पीड ऑफ ऑपरेशंस। तो स्टेपर मोटर बात कर रहे हैं तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशंस में स्टेपर मोटर का हम जनरली यूज किया जाता है या करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज ए फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि फंक्शन है ऑफ है विच डीसी मोटर में। तो यहाँ पे चार आपको फंक्शन दिए, स्पीड या फिर फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर करंट, रेसिडुअल मैग्नेटाइजम और या फिर टू एंड थ्री। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा टू एंड थ्री, यानी कि वी एंड सी, फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, यानी कि इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ई क्वेश्चन नंबर फाइव का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, द डमी कॉइल इन डीसी मशीन्स आर यूजफुल टू, डमी कॉइल जो रहती है डीसी मशीन्स में वो किसके लिए यूजफुल रहती है। चार ऑप्शंस है, इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंप्रूव द कम्यूटेशंस, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मशीन्स, मेंटेन मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन डी, मेंटेन द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर में बी वेरीड बाय फील्ड करंट, सप्लाई वोल्टेज, आर्मेचर करंट या वन टू एंड थ्री ए बी सी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर में बी वेरीड बाय, आप फील्ड करंट वेरी कर सकते हैं चेंज या सप्लाई वोल्टेज से कर सकते हैं, आर्मेचर करंट से कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट, इफ द फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी लैगिंग,
लीडिंग, यूनिटी या मोर देन यूनिटी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस ए लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ए थ्री फेस अल्टरनेटर डिटरमाइन बाय परफॉर्मिंग, चार ऑप्शंस है, ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, उन चारों टेस्टों में से कौन सी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तब लीकेज रिएक्टेंस मिलेगा हमको थ्री फेस अल्टरनेटर में। तो चारों आपको ऑप्शंस दिए हैं। पहला है ओपन सर्किट एंड जीरो पावर फैक्टर टेस्ट, दूसरा है जीरो पावर फैक्टर पावर एंड स्लिप टेस्ट, थर्ड है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और फोर्थ है शॉर्ट सर्किट एंड आपका स्लिप टेस्ट। तो यहाँ पे से आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो पहला ही रहेगा ओपन सर्किट एंड जीरो पावर फैक्टर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। इन एन इंडक्शन मोटर व्हेन द नंबर ऑफ स्टार्टर इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट्स, तो इसमें आपके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। देयर मे बी डिसकंटिन्यू इन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क विल बी अवेलेबल, द मैक्सिमम टॉर्क विल बी हाई, द मशीन्स मे बी फेल टू स्टार्ट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों में से राइट ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा द मशीन्स मे बी फेल टू स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ ऑयल ट्रांसफॉर्मर इज प्रोवाइड टू इंसुलेशन एंड कूलिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट या लुब्रिकेशंस। जो ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है उसका हम ट्रांसफार्मर यूज़ क्यों करते हैं। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज, चारों जो ऑप्शंस है बिल्कुल कॉमन दिए हैं, इसमें से राइट आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो राइट ऑप्शन में रहेगा इंसुलेशन एंड कूलिंग प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर में, लुब्रिकेशन की बात नहीं कर सकते चूँकि ट्रांसफार्मर एक फिक्स्ड डिवाइस है, ठीक है। प्रोडक्शन आगे शॉर्ट सर्किट लाइटिंग ये भी हो सकता है, इसलिए इंसुलेशन एंड कूलिंग के लिए हम करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी रीजन फॉर प्लेसिंग फील्ड ऑन रोटर इन एन अल्टरनेटर, चार ऑप्शंस है, स्मॉल पावर इन द फील्ड सर्किट, इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज मेड इजी ऑन स्टेटर देन ऑन रोटर, लार्ज पावर इन स्टेटर, लार्ज करंट इन स्टेटर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शंस रहेगा ऑप्शंस डी लार्ज करंट इन स्टेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोटर इज मोस्ट सूटेबल फॉर कंप्यूटर प्रिंटर, जो कंप्यूटर प्रिंटर रहता है जहाँ से आप प्रिंट निकालते रहते हैं डेली लाइफ में यूज होते हैं, उसके अंदर जो मोटर लगी रहती है वो किस टाइप की मोटर होती है। चार ऑप्शंस है, अच्छा क्वेश्चन है, चार ऑप्शन पूछा है, रिलक्टेंस मोटर होती है क्या, हिस्टेरेसिस मोटर होती है, सेडेड पोल होती है, स्टेपर मोटर होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अब हम बात करें स्टेपर मोटर की, बात की जा रही है स्टेपर मोटर जब भी आपको दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं, स्टेपर मोटर दिख जाए मतलब कि डिजिटली जो भी काम होते हैं सब में स्टेपर मोटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर प्रिंटर की बात हो रही मतलब डिजिटल की बात हो रही है, डिजिटल मतलब इनमें चारों में से हम ढूंढेंगे स्टेपर मोटर कहीं है क्या, डी नंबर पे है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टेपर मोटर का यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर प्रिंटर के अंदर, ठीक है। इसी क्वेश्चन से नहीं, नेक्स्ट भी कहीं भी क्वेश्चन आपको देखे कंप्यूटर या डिजिटलाइज बात की जाए वहाँ पर आप आँख बंद करके स्टेपर मोटर जहाँ देखे उसको राइट टिक कर सकते हैं। हमेशा डिजिटल इक्विपमेंट डिजिटल डिवाइस में जहाँ काम होते हैं वहाँ स्टेपर मोटर का हम जनरली यूज़ करते हैं या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर सूटेबल फॉर द स्पीड कंट्रोल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो चार इसमें मेथड बताई हैं, कौन सी मेथड इसमें हम यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। वोल्टेज कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, पोल चेंजिंग मेथड। फ्रिक्वेंसी तो कंट्रोल कर नहीं सकते, वोल्टेज कंट्रोल मेथड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर सूटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल स्क्वायर केज मोटर की बात करें, इस कारण से यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 15। एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज्ड फॉर, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का यूज हम क्यों करते हैं, इजी टू स्टार्ट लोड, मीडियम स्टार्ट लोड्स, हार्ड स्टार्ट लोड्स, एनी टाइप ऑफ स्टार्ट लोड्स। तो राइट ऑप्शन रहेगा हार्ड स्टार्ट लोड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इन हैंड टूल एप्लीकेशंस, जो हैंड टूल एप्लीकेशंस रहती हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज यूज्ड, जो हैंड टूल्स रहते हैं चाहे आपका ड्रिल मशीन हो या जो भी हैंड ऑपरेटेड आपके टूल्स रहते हैं या एप्लीकेशंस रहती हैं, उनमें कौन सी मोटर का जनरली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके चार ऑप्शन दिए हैं, सेडेड पोल मोटर करते हैं क्या, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर करते हैं क्या, कैपेसिटर रन करते हैं क्या, या सीरीज एसी सीरीज मोटर करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन लगाना पड़ेगा ऑप्शन डी एसी सीरीज मोटर का हम जनरली यूज़ उन इक्विपमेंट्स में किया
जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ए लीनियर एसी सर्वो मोटर मस्ट हैव हाई रोटर रेजिस्टेंस, हाई रोटर रिएक्टेंस, ए लार्ज एयर गैप, या बोथ हाई रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, हाई रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वेव बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन्स ऑफ हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग, लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग, लो करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग। इस टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, एक्चुअली कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाई लो का ही पूरा फंडा रहता है, हाई लो आइडेंटिफाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए इस टाइप क्वेश्चंस को विशेष ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करना सिंपल है। जो मशीन्स रहती है उसमें दो तरह की बाइंडिंग होती है, लैप एंड बेब बाइंडिंग। यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप देख लें बेब बाइंडिंग का। ठीक है, अब बेब बाइंडिंग का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लगा दें इसका राइट आंसर, लो करंट हाई वाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं बेब बाइंडिंग। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका, बेब बाइंडिंग की बात कर रहे हैं इसका आंसर ऑप्शन बी, लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बेब बाइंडिंग डीसी मशीन्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इफ द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस बाय एयर कोर देन द हिस्टेरेसिस लॉस इन द ट्रांसफार्मर विल बी, जो ट्रांसफार्मर रहता है उसका आयरन कोर जो रहती है उसको यदि हम रिप्लेस कर दें एयर कोर के द्वारा, देन द हिस्टेरेसिस लॉस जो होते हैं ट्रांसफार्मर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज होगा, बिकम जीरो, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई चेंज होगा या जीरो हो जाएगा। यहाँ पर डाउट बना हुआ है, क्या होगा, बिकम जीरो। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, जब आयरन ही नहीं बचा, एयर कोर बना दिया तो भाई ना ही वो बढ़ेगा, ना ही घटेगा, ना ही अनचेंज होगा, कहीं मतलब वो होगा ही नहीं, इसलिए हम बोल देंगे जीरो हो जाएगा। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, जीरो। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20, व्हेन डज ए सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट लीडिंग पावर फैक्टर करंट, व्हेन डज ए सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट लीडिंग पावर फैक्टर करंट। ठीक है, क्या होगा, जब सिंक्रोनस मोटर आपकी ऑपरेट होगी लीडिंग पावर फैक्टर करंट पर। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, व्हाइल इट इज अंडर एक्साइटेड, व्हाइल इट इज क्रिटिकली एक्साइटेड, व्हाइल इट इज ओवर एक्साइटेड, या फिर व्हाइल इट इज हैवली लोडेड। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस में राइट ऑप्शन सेलेक्ट करके लगाना पड़ेगा, ऑप्शन रहेगा इसका सी, व्हाइल इट इज ओवर एक्साइटेड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 21, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंड्यूस वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर अंडर रनिंग कंडीशंस। ठीक है, जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी रनिंग कंडीशंस में इंड्यूस वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज बीच में एंगल कितना रहता है। तो चार ऑप्शन है, जीरो, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री, बिटवीन 90 to 80 डिग्री, या ग्रेटर देन द 80 डिग्री। तो राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, लगाना है, ऑप्शन इसका रहेगा बी, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। व्हेन इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर मैक्सिमम, मैक्सिमम डीसी मोटर के अंदर पावर कब होगी, कब आपकी डेवलप्ड होगी। वैक्यूम एवरेज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, वैक्यूम एवरेज इक्वल टू जीरो, वैक्यूम एवरेज इक्वल टू हाफ द अप्लाइड वोल्टेज, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा सी, वैक्यूम एवरेज इक्वल टू हाफ द अप्लाइड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23, व्हेन आर एडी करंट लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर रिड्यूस्ड इफ लेमिनेटेड कोर थिक, मतलब पतली हो, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज रिड्यूस्ड, शंट आर्मेचर कंट्रोल, या लेमिनेटेड आर थिन। चार ऑप्शंस हैं, लेकिन बात कर रहे हैं एडी करंट लॉसेस की। तो व्हेन एडी करंट लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर रिड्यूस, कब रिड्यूस कर सकते हैं हम एडी करंट लॉस को, तो लेमिनेशन आर थिन, जो लेमिनेशन है उसको हम थिन कर दें। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 23 क्वेश्चंस का ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाई इज ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज इन ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस जो मोटर रहती है उसमें एक तो कैपेसिटर स्टार्ट रहती है, कैपेसिटर रन रहती है, और एक आपकी रहती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच से ऑपरेट करती हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड मेन फील्ड वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए एट ए स्टार्टिंग टाइम ऑफ इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हेन व्हाई इज ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज इन ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में, हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज क्यों करते हैं, क्या रीजन है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास हैं, टू प्रोड्यूस द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, टू इंप्रूविंग द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर, टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ एन एप्रोप्रिएट इंस्टेंट, या टू कट इन द कैपेसिटर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशंस। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, चारों में से आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग टू एन एप्रोप्रिएट इंस्टेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सिंगल फेस मोटर रहती है उसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहती है उसको कट ऑफ करने के लिए
सेंट्रीपल स्विच का यूज़ करते हैं और ये कट कव करते हैं, या 70-80% जो मोटर है सिंगल फेज इंडक्टर मोटर वो स्पीड पकड़ लेती है। इसके बाद हम सेंट्रीपल स्विच के माध्यम से स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट ऑफ कर देते हैं और मोटर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग पर मूव करती रहती है, रोटेट होती रहती है। क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 25। पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्राइवन ड्राइवर वाय कॉन्स्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज वाय इट्स स्पीड इट्स लोड इट्स फील्ड एक्साइटेशन या फेस सीक्वेंस। यहाँ पे चारों ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको पढ़ना होगा क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से। पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्राइवर वाय कॉन्स्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज वाय इट्स, तो राइट ऑप्शंस रहेगा इसका ऑप्शंस फील्ड एक्साइटेशंस को हम चेंज कर सकते हैं, इसके द्वारा चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है स्टार 26, इसको देख लेते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड विल हैव ए वैल्यू अराउंड, ऑप्शंस चार हैं 0.09 लैग, 0.02 लीड, 0.02 लैग, 0.9 लैग, 0.2 लीड, 0.2 लैग, 0.9 लीड। तो लीड लैग का आपको ध्यान रखना है, राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन क्या है, द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड, नो लोड कंडीशंस पे इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना रहेगा, तो राइट ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा 0.02 लैग, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, लेकिन 0.02 रहेगा क्योंकि हमारा क्या है नो लोड है, कोई लोड नहीं है मोटर पर। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने मेरे कलेक्ट किए थे बुक से, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन किया जो कि कंप्यूटर एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आईएएस के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी देखा जाए तो आईएएस और यूपीएससी जो एग्जाम होते हैं उनमें भी कई तरह इस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने कलेक्ट किए हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं बुक से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, आपके लिए एक हेल्प मिलेगी, नॉलेज मिलेगा। कि यदि आप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिले, आपको अच्छे ये क्वेश्चंस लगें, समझ में आए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों शेयर करें सोशल प्लेटफॉर्म पर, उनको भी इस क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके, उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनका भी नॉलेज बढ़ सके। और आप चाहते हैं इस प्रकार और अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब करें हमारे अशोक ईट्यूटर यूट्यूब चैनल को, और साथ में दबाएं बेल आइकन को, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि जब भी हम वीडियो पब्लिश करेंगे नई उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट नॉलेजेबल एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।